हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी 2 मिनट सीरीज में लेसर हिमालयस देखेंगे। हमने पिछले 2 सीरीज में ट्रांस हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस कवर किए, कुछ उनके इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स देखे कि कौन कौन से हैं, रेंजेस कौन कौन से हैं, उनमें ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं, और आज हम लेसर हिमालयस की ओर देखते हैं। सबसे पहले इसको हम हिमाचल भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम हिमाद्री किसको कहते थे, ग्रेटर हिमालयस को। तो कल को अगर क्वेश्चन आता है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स का, या 2 स्टेटमेंट्स को हमने देखना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, और दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि हिमाचल को हम ग्रेटर हिमालयस भी कहते हैं, तो दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि हम हिमाद्री को ग्रेटर हिमालयस और हिमाचल को लेसर हिमालयस बोलते हैं। इसकी जो एलिवेशन है वो 3500 से लेके 4500 मीटर के बीच में है। इसमें 7 रेंजेस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हम अब देखते हैं। पीर पंजाल रेंज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लेसर हिमालयस में। तो सबसे पहली बात जो नोट करने वाली है ये है कि पीर पंजाल कहाँ पे है हमारी लेसर हिमालयस में। एंड ये जो है ये कश्मीर का सदर्न बाउंड्री बनाती है, कश्मीर ये रहा, एंड कश्मीर वैली का जो सदर्न बाउंड्री है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द पीर पंजाल रेंजेस। और एक चीज़ जो ब्यास और झेलम के बीच में वाटर डिवाइड है वो है पीर पंजाल रेंजेस। और हमारी जो पीर पंजाल रेंजेस हैं वो कुछ ऐसे हैं, एंड इसमें यहाँ से हमारी चिनाब कट करती है, यहाँ से हमारी झेलम कट करती है, ठीक है। झेलम के साथ साथ हमारी जो किशनगंगा रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है झेलम की, ये भी हमारी जो पीर पंजाल रेंजेस को कट करती है। तो नोट करने वाली बात ये है कि ये जो 3 रिवर्स हैं, किशनगंगा, झेलम और चिनाब, ये 3 रिवर्स हमारे पीर पंजाल रेंजेस को कट करती हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो दे वेंट फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ अपलिफ्टमेंट। सो विच रेंजेस वेंट फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ अपलिफ्टमेंट, वो है पीर पंजाल रेंजेस। और लेसर हिमालयस में ये सबसे यंगेस्ट हैं। ओके, जो 3 इंपॉर्टेंट पासेस हैं वो बनिहाल है। बनिहाल कुछ साल पहले न्यूज में था क्योंकि ये लिंक है जम्मू एंड श्रीनगर के बीच में। गुलाबगढ़ सेकेंड पास है, एंड बीदल पास 3 है। ये 3 पासेस जो हैं हमारे लेसर हिमालयस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रेंज हम देखते हैं धौलाधार रेंजेस। धौलाधार रेंजेस जो हैं हमारे हिमाचल प्रदेश की जो भी इंपॉर्टेंट हमारी रेंजेस हमें पता हैं उसको हम धौलाधार रेंजेस भी कहते हैं। हमारे जो इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस हैं जैसे शिमला, डलहौजी और धर्मशाला, ये सब धौलाधार रेंजेस पे लाई करते हैं। धर्मशाला हमारे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से न्यूज़ में है। धर्मशाला, मैक्लोडगंज, दलाई लामा का ये एक रीजन है जहाँ पे काफ़ी सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं। तो कल को अगर आपको क्वेश्चन आता है कि धर्मशाला से रिलेटेड ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस में ये सिचुएटेड है, ऑप्शन आपको पीर पंजाल, धौलाधार रेंजेस, जस्कर रेंज या लद्दाख रेंज दी हो, तो आपका जो आंसर है वो है धौलाधार रेंज, ठीक है। जो नेक्स्ट रेंज है मसूरी रेंज है, ये सतलुज और गंगा के बीच में वाटर डिवाइड है। और हमारी जो नागटिब्बा रेंज है वो कंटिन्यू होती है यहाँ पे धौलाधार रेंज से नेपाल के अंदर। जो तो नेपाल के अंदर जो रेंज जाती है उसको हम नागटिब्बा रेंज कहते हैं, और धौलाधार रेंज से ही ये आगे कंटिन्यू होती है। तो ये था हमारा लेसर हिमालयस के बारे में। नेक्स्ट में हम देखेंगे शिवालिक्स के बारे में। थैंक यू।